दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी पढ़ाई के विषय में कंप्यूटर का भी विषय जुड़ा हुआ है, तो आपसे कभी न कभी एक सवाल जरूर किया हुआ, आखिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल में कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको तमाम जानकारी एंड तमाम वेबसाइटें मिल जाएंगी। तो लोगों के अपने अपने मत हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म से रिलेटेड। हम आपको बता देते हैं कि आखिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है जो हमने लिखा है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म सी से है कॉमनली, जो हर जगह उपयोगी है। ओ से है ऑपरेट, जो मानव द्वारा चलाना होता है। एम से है मशीन यानी कि यंत्र। पी से है प्रोसेसिंग प्रक्रिया, मानव द्वारा दिशा निर्देश देना। एंड यू से है मानव द्वारा आसानी से उपयोग करना यानी कि यूजर फ्रेंडली। एंड टी से है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। ई से एडिट, मानव द्वारा परिवर्तन करना। एंड आर से है रिजल्ट यानी रिसर्च एंड परिणाम पाना, है ना। तो ये है कंप्यूटर के फुल फॉर्म। एंड सेकेंड आपको बता दूं दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का अभी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बना। आप जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ये बनाई नहीं है। फुल फॉर्म बनाए, अगर आप शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से आप शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। आप कंप्यूटर को शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी पुकार सकते हैं। वो पहला नाम है पीसी, आप कंप्यूटर को पीसी बोल सकते हैं। एंड दूसरा शॉर्ट फॉर्म आप केएलसी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ का कोई मत नहीं है कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड। यहाँ पर मैं ये अपने दो वर्ड बता रहा हूँ कि कंप्यूटर को आप शॉर्ट फॉर्म में इस नाम से जान सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।